उधर हर कोई एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर देख रहा था, इधर योगी ने पत्थरबाजों पर चला दिया बुलडोजर। कांवड़ यात्रा के बीच यूपी को सुलगाने की कोशिश, गोरखपुर में बैठे सीएम योगी ने दिया आदेश, एक्शन शुरू। लग गए वांटेड पत्थरबाजों के पोस्टर, योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे काबिल ऑफिसर को भेज दिया हापुड़। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रहे थे, उधर पानी की तरह आसमान से पत्थर बरस रहे थे। लेकिन पत्थरबाजी के सिर्फ एक घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा एक्शन लेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे काबिल ऑफिसर को भेज दिया है और पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान हमेशा यूपी को सुलगाने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, लेकिन पत्थरबाज भूल गए थे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आग की तरह खुद बरसते हैं। जिन लोगों के हाथों में पत्थर है, उनके पोस्टर शहर में लगा दिए गए हैं। 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ खुद नजर रख रहे हैं और सीधा आदेश दिया गया है कि किसी भी हालत में आरोपी बचने ना पाए। हापुड़ में जो हुआ, सबसे पहले उसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। विवाद की शुरुआत शनिवार यानी कि 1 जुलाई देर शाम से हुई थी। ब्रह्मानंद मोहल्ले में बुग्गी गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद शुरू हुआ था। उस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामले को शांत करा दिया था, लेकिन सावन के मौके पर इतनी बड़ी साजिश रची जाएगी किसी को अंदाजा नहीं था। उस दौरान मामला शांत हो गया था, लेकिन रविवार की शाम नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और छतों से पत्थरों की बारिश करने लगी। योगी आदित्यनाथ को पहले ही शक था कि ऐसा कुछ हो सकता है, यही वजह कि योगी ने सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए थे। राज्य सरकार की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार कांवड़ यात्रियों की आस्था का सम्मान करते हुए यात्रा मार्ग में खुले में मांस बिक्री और खरीद पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही जिस रास्ते से कांवड़ यात्री जाएंगे, वहां साफ सफाई भी नियमित करने के आदेश दिए गए हैं। खाने पीने का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, योगी सरकार ने अपने अधिकारियों को ये भी आदेश दिया है कि जहां भी खाने के कैंप लगाए जाएं, वहां पूरी तरह से व्यवस्था सही होनी चाहिए। लेकिन जब सावन में भगवान शिव की भक्ति में पूरा देश डूबा था, इधर हापुड़ में बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। हापुड़ में जो पत्थरबाजी हुई, दावा किया जा रहा है कि दूसरे जिलों से पत्थरबाज बुलाए गए थे, मतलब सब कुछ पहले से तय था, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की है वो दूसरे जिलों के बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत सब कुछ हुआ है। आरोप है कि पत्थरबाजों के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ भी गलत काम किया गया, यही वजह कि गोरखपुर में बैठे योगी आदित्यनाथ को जब इसकी खबर मिली तो गुस्से से लाल हो गए और बड़े बड़े अधिकारियों को आदेश दे दिया कि 24 घंटे के अंदर सभी आरोपी जेल के अंदर होने चाहिए। इसके बाद ही सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। ज्यादातर आरोपी भाग गए हैं, लेकिन चूहों की तरह बिल से अब योगी की पुलिस एक एक करके निकाल रही है। योगी का आदेश मिलते ही इन सभी आरोपियों के पोस्टर शहर में लगा दिए गए हैं। जो भी इनका पता बताएगा, उन्हें 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही यूपी पुलिस ने यह भी कहा है कि आरोपियों का पता बताने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर भी तैयार हो रहे हैं और आरोपियों पर जल्द ही चलेंगे। दावा किया जा रहा है कि नमाज पढ़ने के बहाने पत्थरबाजों की भीड़ बुलाई गई थी, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ और इसके बाद मंजर बदल गया। लेकिन अब इनमें से कोई भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि आदेश सीधा योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिला है। वैसे इन पत्थरबाजों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।